कार्टून नवस कॉलेज से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आज मैं आपको बता रही हूँ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की यूनिट सेकंड का आपको जो पीपीटी है उसका पूरा डिटेल समझा देती हूँ। एक तरह से कैप्सूल कोर्स हो जाएगा ये आपका। यूनिट वन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आज यूनिट सेकंड करवा रही हूँ, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आपको पता है, जब भी किसी इंडस्ट्री में उसके मशीन मटीरियल मैन और पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सब को यूज करते हुए एक मैनेजमेंट फॉर्म में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, उसी को हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में और क्या होता है जरा बात करेंगे। आपको सबसे पहले समझाते हैं प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है, यानी एक वो सिस्टम जिसके जरिए हमने प्रोडक्शन को करना है। तो प्रोडक्शन जैसे कि प्रोसेस होता है गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए या वैल्यूएट करने के लिए या फिर उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो एक जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या प्रोडक्शन सिस्टम जिसको कहते हैं, वो डिपिक्ट किया जाता है इस तरीके से कि जैसे डिसीजन मेकर है वो कंट्रोल करता है तीन चीज़ों को। किन तीन चीज़ों को? एक तो इनपुट, जिसमें रॉ मटेरियल मैन मटेरियल वो मशीन सब चीज़ आ सकती है वो। उसके बाद में जो इनपुट आपके पास में है उस इनपुट को वो कन्वर्ट करता है और वो ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस के फॉर्म में काम आता है। और जब ट्रांसफॉर्म किया जाता है एज पर द स्किल्स एंड रिक्वायर ऑफ द नेचर ऑफ वर्क, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। और आउटपुट गुड्स या सर्विसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो जब ऐसा किया जाता है इसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन सिस्टम। अब बात करेंगे कि बहुत सारी चीजें होती हैं प्रोडक्शन सिस्टम में, किस तरीके से प्रोडक्शन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन सिस्टम की। तो एक बात होती है, एक प्रोडक्शन सिस्टम होता है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि एज पर द कस्टमर चॉइस या उसके ऑर्डर या उसकी स्पेसिफिक डिमांड। जब हम किसी कस्टमर की स्पेसिफिक चॉइस या डिमांड के बेस पर कोई प्रोडक्शन करते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग या डिजाइनिंग करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। उसमें क्या होता है, कोई भी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल वगैरह नहीं होता। तो क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ। हम गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, यानी हमारे सोनार के पास जाते हैं, हमने उसको ये कहा कि ये हमारा सोना है जो कि ठोस सोना है, अब हम जो डिजाइन चाहते हैं हम डिजाइन तैयार करवा लेते हैं, ठीक है। या आप टेलर के पास जाते हो, आप अपना मटेरियल लेके जाते हो और आप अपना डिजाइन कैटलॉग में से या तो सेलेक्ट कर सकते हो या आप अपनी चॉइस वैसे ही बता सकते हो। तो एज पर योर नीड, एज पर योर मेजरमेंट, एज पर योर इंफॉर्मेशन, वो जो टेलर है आपके लिए वो कॉस्ट्यूम तैयार कर देता है। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। मशीनें उसकी सारी हैं लेकिन उसने उन मशीनों से कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे कपड़े नहीं तैयार किए और उसमें से आपने नहीं सेलेक्ट किया। वो आपकी चॉइस के आधार पर, आपके मेजरमेंट के आधार पर वो आउटफिट तैयार करेगा जो आप चाहते हो। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। अब बात करते हैं जो प्रोडक्शन सिस्टम है उनको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इंटरमिटेंट मैंने आपको बताया, इसको दो तरीके से बांट सकते हैं, जैसे जॉब प्रोसेस या बैच प्रोसेस, यानी काम के आधार पर या एक लॉट के आधार पर। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया अभी, इंटरमिटेंट जो प्रोसेस होता है उसमें कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि हम अलग अलग कस्टमर की अलग अलग टाइम पे जिस तरह की चॉइस और नीड्स आती हैं उसके आधार पर अपन डिजाइनिंग करते हैं। जबकि कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या होता है, हम कस्टमर की चॉइस को नहीं तवज्जो देते, हम बकायदा एक पूरा माल तैयार करते हैं और उस माल को फिर हम मार्केट में डालते हैं। उस माल में से कस्टमर अपने पसंद का, अपने मेजरमेंट के हिसाब से वो चीजों को सेलेक्ट करता है। तो जब हमने माल तैयार किया कंटिन्यूअस बेसिस पर, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो होता है मास प्रोडक्शन और एक होता है प्रोसेस प्रोडक्शन। अब जैसे अगर बात करेंगे तो जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें आप बात कर रहे हैं क्या होगा, डिमांड का फोरकास्टिंग किया जाएगा उसमें। इसमें एक एक कस्टमर के डिमांड का नहीं ध्यान दिया जाता बल्कि उसे फोरकास्ट किया जाता है ऑन द मैक्रो लेवल, यानी पूरे बाजार को ध्यान में रखते हुए यहाँ के कस्टमर, यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों का नेचर, यहाँ का कल्चर, वो सारी चीज़ों को दिमाग में रख के एक फोरकास्टिंग की जाती है और फिर एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे फूड इंडस्ट्री होती है या जैसे फ्यूल इंडस्ट्री वगैरह होते हैं
जो इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं वो मास प्रोडक्शन करती हैं, और मास प्रोडक्शन वो करते हैं अपने डिमांड फोरकास्टिंग के बेसिस पर, यानी मार्केट में क्या माल मांग है और हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं हमसे, ठीक है, इस तरीके की चीजों का काम किया जाता है। तो जब अगर फूड इंडस्ट्री की बात कहते हैं उसमें भी कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है क्योंकि लार्ज स्केल पर काम किया जाता है और डिमांड का फोरकास्ट करते हुए प्रोडक्शन किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करते हैं फ्यूल इंडस्ट्री की, तो फ्यूल इंडस्ट्री में भी बिल्कुल इसी तरीके से ग्लोबल एनर्जी की डिमांड जिस तरीके से होती है उसके आधार पर प्रोडक्शन किया जाता है या मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के कुछ जो मेजर एप्लीकेशंस है उसके बारे में बता रही हूँ। प्री प्रोडक्शन प्लानिंग होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है और प्रोसेस और सर्विसेज का इंप्रूवमेंट होता है। ये क्या चीजें हैं मैं बता रही हूँ कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। देखो, अगर आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो उससे पहले उसकी प्लानिंग करनी होगी तो वहां पे भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लागू होगा। अगर आप प्रोडक्शन शुरू कर चुके हो, उसकी प्लानिंग कर चुके हो, तो उसका कंट्रोलिंग करना है, इसको पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। पीपीसी में भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का मेजर एप्लीकेशन होता है। ऐसे ही टीक्यूएम का जब काम करते हैं, यानी जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसके ओवरऑल क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए टीक्यूएम किया जाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाता है, तब भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लगता है। और इसके अलावा कहते हैं जब भी आप प्रोसेस या सर्विसेज करते हैं उसमें भी आप प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, तो इसलिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का एप्लीकेशन होना जरूरी होता है। जब हम बात कर रहे थे, अपन ने एप्लीकेशन की बात कर ली, इन चारों का मैं आपको समझा रही हूँ। जब प्री प्रोडक्शन प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो हमें देखना होता है, अभी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन से पहले हमें बहुत कुछ करना होगा, और वो होगा हमारा प्लांट कहाँ होगा, यानी उसके लोकेशन के डिसीजन लेना, हमारा प्लांट लेआउट कैसा होगा, यानी अगर आपने लोकेशन का डिसाइड कर लिया है तो अब लेआउट कैसा होगा, उसके अंदर मशीन्स की या मैन की फिजिकल अरेंजमेंट किस तरीके से होगी, वो सारी चीजों की प्लानिंग करना, उसको लेआउट बोलते हैं। ऐसे ही कैपेसिटी प्लानिंग करनी होगी कि हमारे प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई कॉलेज खोल रहे हो, स्कूल खोल रहे हो, कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो कितने लोगों का यहाँ पे इलाज हो सकता है, कितने ऑपरेशन थिएटर होंगे, कितने वार्ड वगैरह होंगे, कितने बेड होंगे, ये सारी उसकी कैपेसिटी प्लानिंग होती है। तो इसके लिए भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब कहते हैं कौन सी मशीनरी और इक्विपमेंट लगाना होगा, ये सब प्री प्रोडक्शन प्लानिंग में आता है। कौन सी मशीनरी होगी, कौन से इक्विपमेंट्स होंगे, उनकी मशीनरी की हैंडलिंग कैसे होगी, वो सारी चीजें अब इनको धीरे धीरे कवर करते हैं। जैसे अगर बात कर रहे हैं प्लांट लोकेशन की, तो प्लांट लोकेशन का मतलब होता है वेयर इट इज located. I'm just getting an example. Just imagine Subodh College. Subodh College कहाँ है? राजस्थान के जयपुर के रामबाग सर्किल लोकेशन है इसकी। ये लोकेशन प्राइम लोकेशन है, क्यों? क्योंकि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कनेक्टिविटी, चाहे गांवों की साइड से कह लो, चाहे सिटी की साइड से कह लो, ऑल द प्लेसेस आर रिचली कनेक्टेड विद द प्लेस। दैट्स व्हाई कि जो यहाँ सुबोध कॉलेज, पीजी ऑटोनॉमस जो कॉलेज है, उसकी प्राइम लोकेशन होने की वजह से लोगों की अप्रोच बहुत इजी है। तो यहाँ का इजी अप्रोच होने की वजह से यहाँ एडमिशन या स्टूडेंट्स का कनेक्टिविटी बहुत आसानी से हो जाती है, तो इस लोकेशन का बहुत बड़ा फायदा मिलता है। तो ये लोकेशन के लिए जब जमीन लोकेट की गई होगी, देखा गया होगा, खरीदा गया होगा, तो बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखा गया होगा कि भले आज महंगी पड़ जाए ये जमीन, लेकिन आने वाले जमाने में या आने वाले फ्यूचर टाइम में ये जमीन की कीमतें हमें पैसा कमा के देंगी। तो इसको बोलते हैं प्लांट का लोकेशन सेट करना। तो लोकेशन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करना जहां पे प्लांट को लोकेट किया जाएगा, ताकि कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस कायम की जा सके। इसके अलावा उस जगह का सिलेक्शन करते समय हमें देखना पड़ता है कि कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन सारी प्रॉब्लम्स को, सारी चीजों को पहले सॉल्व किया जाता है, तब कहीं जा करके लोकेशन के निर्णय लिए जाते हैं। और सिलेक्शन जब भी आप लोकेशन का करते हो तो प्योरली इकोनॉमिक कंसिडरेशन होती है, यानी सारा मामला पैसे से निर्भर करता है। इमोशनल होकर के कभी भी लोकेशन के निर्णय नहीं लिए जाते, कोई भी नॉन इकोनॉमिक कंसिडरेशन नहीं की जाती, सारा इकोनॉमिक कंसिडरेशन होता है, जिससे कि रेगुलर और इजी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, एफिशिएंट प्लांट लोकेशन, ये सारी चीजें, इससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको कहा कि जो रामबाग सर्किल की लोकेशन है, हो सकता है उस समय जब जमीन खरीदी गई होगी बहुत महंगी पड़ी होगी, लेकिन वो महंगी जमीन कुछ ही सालों में वसूल हो गई होगी उसकी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट एडमिशन है, स्टूडेंट अप्रोच है, वो बहुत आसानी से, तेजी से होता है, राइट? आगे बात कहते हैं, अगर कोई भी
कोई भी एक मिस्टेक अगर लोकेशन में अगर कर ली गई तो ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी पैदा कर देती है, बहुत बड़ा कॉस्ट खड़ा कर देती है किसी भी प्लांट के सक्सेस में, राइट। अब बात करते हैं लोकेशन में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। देखो चार चीजें हमेशा ध्यान रखी जाती हैं जब भी आप लोकेशन का डिसीजन ले रहे होते हो। तो पहला डिसीजन जो होता है आपका, आपकी जो सोच होती है वो ये होती है, ये डिसाइड करना आप डोमेस्टिकली प्लांट को लोकेट करने वाले हो या इंटरनेशनल लोकेशन सेट कर रहे हो, पहली चीज, यानी कंट्री के अंदर या आउटसाइड द कंट्री। नंबर टू, हम रीजन सेलेक्ट करते हैं। रीजन का मतलब है नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, साउथ में जाना है या वेस्ट में जाना है। जैसे अभी मैं अगर बात कर रही हूँ, सुबोध कॉलेज को ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने डिसाइड किया कि अपने को इंडिया में ही एक कॉलेज सेट करना है। उसके बाद हमने कहा, हमने वेस्ट साइड जोन के राजस्थान को हमने डिसाइड किया, राजस्थान में भी हमने किसको लिया, जयपुर को। तो रीजन हो गया। अब आ जाओ लोकेलिटी। जब जयपुर तक पहुंच गए तो जयपुर में कहां, जयपुर में रामबाग सर्किल, और रामबाग सर्किल भी बहुत बड़ा है भाई, रामबाग सर्किल टोंक रोड बहुत बड़ा है, तो उसमें भी कहां, तो उसमें कहां। फोर्थ स्टेप आ जाता है सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्ट साइट, यानी वो जो चौराहा है, वो जो क्रॉसिंग है रामबाग सर्किल का, उसका कौन सा वाला डायगोनली, कौन सा वर्टेक्स जो होगा वो डिसाइड करना, ये है एग्जैक्ट लोकेशन। तो चार स्टेप बताए मैंने लोकेशन के लिए। द फर्स्ट वन इज इंटरनेशनली होगा या डोमेस्टिकली होगा, यानी कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर। नंबर दो मैंने बताया रीजन कौन सा होगा, यानी जिसको अपन ने डायरेक्शन वाइज कह दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसके बाद हमने कहा कि उसकी लोकेलिटी क्या होगी, यानी उसकी कम्युनिटी क्या होगी, तो हमने राजस्थान जयपुर सेलेक्ट कर लिया। अब जयपुर सेलेक्ट करने के बाद राजस्थान में जयपुर में कहां, रामबाग सर्किल, रामबाग सर्किल में भी एग्जैक्ट लोकेशन, क्लियर। क्योंकि रामबाग सर्किल पे बहुत सारी चीजें हैं, जेडीए भी वही है, एसडीएमएच भी वही है, बहुत सारे भवानी सिंह रोड भी वहीं से है, तो जो एग्जैक्ट साइट है उसको दिमाग में लगाना। तो आप देखोगे कि मैक्रो से होते हुए हम माइक्रो तक पहुंचे हैं, बड़ी निगाह लेते हुए माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया है, दैट इज अ लोकेशन डिसीजन, राइट। अब कहते हैं ये हो गया लोकेशन का मामला, अब आओ जरा लेआउट क्या होता है। हमने डिसाइड कर लिया रामबाग सर्किल पे अपने को जमीन लेनी है और यहाँ पे कॉलेज सेटअप करना है, ठीक बात है, हो गया। अब एक लेआउट बनाना पड़ेगा। लेआउट क्या कहता है, प्रिंसिपल चैम्बर कहाँ होगा, स्टाफ रूम कहाँ होगा, क्लासरूम्स कहाँ होंगे, लैब्स कितनी और कहाँ होंगी, ये लाइब्रेरी है वो कहाँ होगी, कैंटीन कहाँ होगी, वॉशरूम्स कैसे होंगे, मल्टी स्टोरी होगा या सिंगल स्टोरी होगा, ये सारी चीजों का एक पेपर पे ब्लूप्रिंट ले लेना लेआउट कहलाता है, ताकि कि ये समझ में आए कि कौन सी चीज कहाँ पर है, उसका डायरेक्शन क्या है, एक तरीके से मैप कह सकते हो इसको आप। अगर किसी प्लांट का ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही उसकी कंस्ट्रक्शन होता है, यानी पहले से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ कैसे होगी। तो लेआउट क्या कहता है, लेआउट के लिए कहा जाता है कि आप जब भी किसी भी प्लांट का लेआउट सेट करते हैं तो बहुत सारी बातों को कंसीडर करना पड़ता है, और उस कंसीडरेशन के लिए आपको लोकेशन पे भी कंसीडर करना पड़ता है। लोकेशन क्या है, जैसे इसको मैं अभी एग्जाम्पल से बता रही हूँ, जब लोकेशन रामबाग सर्किल है और कॉलेज की बात है, तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ी पार्किंग की व्यवस्था करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत रिच है, तो 70% स्टूडेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, और जो स्टूडेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा उसको पार्किंग की फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो केवल 30% स्ट्रेंथ के लिए ही हमें पार्किंग फैसिलिटी देनी है। तो आप ये सोचो, इस प्राइम लोकेशन की वजह से उस लेआउट में कितना बड़ा कॉस्ट चेंज हो गया, जो कि पार्किंग में लग सकता था। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत सारे निर्णय हैं जो लेआउट और लोकेशन के इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब बात कर रहे हैं कि लेआउट के साथ साथ आगे क्या क्या काम होता है। तो लोकेशन में मैंने आपको बता दिया सारा काम हो गया। अब बात कर रहे हैं, ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी। अब लेआउट पे कह रहे हैं, लेआउट होता क्या है, लेआउट है आइडियली वो इन्वॉल्वेशन होती है एलोकेशन ऑफ स्पेस की या अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट की, जिसमें हम इस तरीके से चीजों को सेट करते हैं कि कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। तो लेआउट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, हमारा काम करना आसान होना चाहिए, मैक्सिमम सेफ्टी होनी चाहिए, मिनिमम हेल्थ हजार्ड्स होने चाहिए, जो भी लोग इस प्लांट में काम करेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से।
नंबर दो कहते हैं कि मटेरियल की हैंडलिंग मिनिमम होनी चाहिए, यानी कोई भी चीज वेटिंग नहीं करनी चाहिए, फ्लो स्मूथ जाना चाहिए, फ्रॉम रॉ टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन टू फिनिश गुड्स इट मस्ट बी इन अ स्मूथ फ्लो। तो इसको बोलते हैं किसी भी प्लांट में अगर लो मटेरियल हैंडलिंग होती है तो वो प्लांट का ऑपरेशन बहुत रिच होता है, पर अगर हैंडलिंग हाई होती है तो यानी ऑपरेशन में कुछ ना कुछ तकलीफें हैं, कोई मशीन हैम्पर हो रही है, कोई आदमी हैम्पर हो रहा है, कहीं टाइम हैम्पर हो रहा है, इस वजह से कॉस्ट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हाई हो जाएगी। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हमेशा कम होनी चाहिए। उसके अलावा मटेरियल मशीनरी और मैन का जो कॉग्निशन है उसमें कंजेशन है, उसका कोई भी आपस में कोई भी डिस्प्यूट वगैरह नहीं होना चाहिए। जिस मशीन पे जिस व्यक्ति को काम करना है उसको एज पर द स्किल उसे वो मशीन मिलनी चाहिए, या मशीन की डिमांड के हिसाब से उस व्यक्ति में स्किल्स एनहेंस हो जानी चाहिए, ट्रेंड बंदा होना चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं जो भी प्रोडक्शन कंडीशन है उनमें अगर कोई चेंजिंग हो रहा है उसके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लांट लेआउट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। देखो सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है मिनिमम मूवमेंट होना चाहिए, चाहे मशीनरी हो चाहे मैन हो। मतलब अगर मेरे को इस मशीन पे काम करना है तो मुझे ये मशीन और मैं मूवेबल नहीं होने चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मुझे इस मशीन पे काम करना क्लियर है, पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे पता ही नहीं है मुझे किस मशीन पे काम करना है, या मशीन के ऊपर कौन सा व्यक्ति काम करेगा किसी को आइडिया ही नहीं है, ये सब गड़बड़ है। पहला प्रिंसिपल ये कहता है मिनिमम मूवमेंट होना चाहिए, चाहे वो मशीन हो चाहे मैन हो। अगर देखो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, तब तो मटेरियल मूव होगा ही होगा। लेकिन अगर आप सिंपल सी बात कर रहे हैं तो मटेरियल मूव हो जाए लेकिन मशीन और मैन मूव नहीं होना चाहिए जनरली, ठीक है। बाकी अगर नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि मटेरियल के साथ साथ मशीन भी मूव होगी तो होगी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पे मटेरियल भी मूव होता है और वहां पे मशीन भी मूव होती है, ठीक है। तो वो अलग अलग चीजें होंगी, वो आपको हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से प्रोडक्शन का काम होता है। अब बात करते हैं फ्लो, फ्लो स्मूथ जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो कहते हैं फ्लो किस चीज का, मटेरियल का फ्लो बिल्कुल स्मूथ जाना चाहिए। वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकता है, वो फिनिश गुड्स भी हो सकता है। यानी एक मशीन से काम पूरा होने के बाद नेक्स्ट मूव करना है तो वो तुरंत मूव हो जाना चाहिए, नेक्स्ट उसको इन्वाइट करने वाला होना चाहिए, कोई भी काम हैम्पर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ स्पेस, जितने मशीन को रिक्वायर्ड है स्पेस की उतना स्पेस अवेलेबल करवाना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, जगह पूरी नहीं दी गई तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में टकराहट होगी, चाहे वो मटेरियल की, मशीन की या मैन की, किसी की भी हो सकती है। और प्लांट में जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है वहां पे अगर जगह की कमी रखी जाती है तो मान के चलना बहुत बड़ा नुकसान है ये। तो जितनी रिक्वायरमेंट हो स्पेस की वो प्रिंसिपल फॉलो करवाते हैं। इसमें सेफ्टी भी है एक प्रिंसिपल, कि सुरक्षा का ध्यान रखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोडक्शन आप कर रहे हो, प्रोडक्शन में उस व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व उस ऑक्यूपायर के ऊपर होता है। ऑक्यूपायर का मतलब है उस एम्प्लॉयर के ऊपर, जो मालिक है उस ओनर के ऊपर होता है। आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारा कानून ये कहता है यू आर नॉट सपोज टू डिस्ट्रॉय और डैमेज एनी पर्सन्स लाइफ और प्रॉपर्टी। तो आप खुद का भी नहीं कर सकते, आप किसी और का भी नहीं कर सकते। तो जो लेबर या वर्कर आपके मशीन पर काम कर रहा है उसकी जीवन की सुरक्षा और उसकी संपत्ति की सुरक्षा करना आपका दायित्व है। ऐसा ही प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यानी एज पर द नीड जो भी कोई अगर बदलाव करना पड़े तो ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बहुत रिजिड या फिक्स चीजें नहीं होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई कंडीशन बदल रही है तो हमें उसके हिसाब से बदलाव करना इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस, हर चीज एक दूसरे पर निर्भर करेगी, इसी से कनेक्टिविटी और बॉन्डिंग क्रिएट होगी। तो एक इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, ओवरऑल इंटीग्रेशन होना चाहिए, सब चीजें एक दूसरे से बंधी हुई होनी चाहिए, बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। और एक और प्रिंसिपल लास्ट कहता है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जितनी रिक्वायरमेंट हो जितना कम से कम पैसा लगाकर आप उससे प्रॉफिट जनरेट करते हो यही आपकी काबिलियत है। वरना बड़ा पैसा लगा करके थोड़ा प्रॉफिट करने में कोई आपने अपनी स्किल्स नहीं शो करी। आपकी स्किल्स वहां नजर आएंगी जहां आपने बहुत कम पूंजी लगा करके भी बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। और ऐसा धीरे धीरे और ऐसा स्मार्ट वर्किंग से होता है, स्मार्ट बिजनेस प्लान से होता है। ऐसा अचानक नहीं होता है, कोई चमत्कार नहीं होता है। इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। ठीक बात है, ऐसे ही
तो मिनिमम मूवमेंट भी हो गया, फ्लो भी हो गया, इसका आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल मैंने आपकी हर स्लाइड में बता दिया है, या पढ़ेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं लेआउट के ऑब्जेक्टिव्स की। क्या ऑब्जेक्टिव होता है लेआउट का? तो जो अभी अपन ने प्रिंसिपल की बात करी है, बिल्कुल वही चीज है कि स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, एफिशिएंट यूटिलाइज करना है, इसके अलावा कोई भी डिले ना हो इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, इस चीज की इंश्योरिटी होनी चाहिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी इनफ होनी चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, ऐसे ही मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कम से कम हो, ये पूरी कोशिश की जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के कोई काम में कोई रुकावट आ रही हो, कोई कठिनाई आ रही हो, तो उसको रिड्यूस किया जाना इस लेआउट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। लेबर की एफिशिएंसी को यूटिलाइज करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि एक वर्कर क्या काम कर सकता है, उसको उसके कैपेसिटी के हिसाब से काम को असाइन किया जाना चाहिए। एम्प्लॉय का मोरल किस तरीके से इंक्रीज करना है, ये भी लेआउट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब बात करते हैं लेआउट के, प्लांट के लेआउट को जब हम कंसीडर करते हैं तो कौन कौन सी बातों पर ध्यान देते हैं। तो देखो, बिल्डिंग पे ध्यान देंगे हम, मैन पर ध्यान देंगे, मशीनरी पर, मटेरियल पर, मूवमेंट पर, वेटिंग टाइम पर, सर्विसिंग और कोई चेंजेस हैं उन सब पर। इसके अलावा बात करते हैं प्लांट लेआउट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर डालते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोकेशन क्या होगी, बिल्डिंग का डिज़ाइन क्या होगा, प्रोडक्ट का नेचर कैसा होगा, एनवायरनमेंट कैसा है प्लांट का, और रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिपेयर्स और मेंटेनेंस किस तरीके से होगी। इसके अलावा मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है। देखो, बहुत स्ट्रिक्ट अगर मैनेजमेंट की पॉलिसी होती है तो लेआउट में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। क्या हो जाती है? क्योंकि एज पर द नीड ना तो स्पेस प्रोवाइड करवाया जाएगा, ना ही स्मार्ट मशीन्स दी जाएंगी, तो वो बहुत समस्या हो सकती है। एक बढ़िया एफिशिएंट वर्कर को भी आप काम नहीं ले सकते हैं। आगे की बात करते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट हो गया, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये भी फैक्टर बहुत डालता है। इन सबको मैंने आपको डिटेल में हर स्लाइड में बता दिया, पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट, जो प्लांट लेआउट है वो कितने टाइप का होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये पूरे, इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको ध्यान से कर लेना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं प्लांट लेआउट चार तरीके के होते हैं, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, सीएम लेआउट और फिक्स पोजीशन लेआउट। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट लेआउट क्या कहता है, प्रोडक्ट लेआउट कहता है कि जो एक प्रोडक्ट है, इसको लाइन लेआउट भी कहते हैं, जो एक प्रोडक्ट है उसके हिसाब से मटेरियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेगा, यानी मटेरियल मूवमेंट होगा एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पर, और वो सब्सिक्वेंटली आगे से आगे बढ़ता जाएगा। एक लाइन में मशीन्स का अरेंजमेंट होगा फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, इस तरीके से जाकर के अगर 5 मशीनें वहां पे, वर्क स्टेशन 5 है, तो 5 वर्क स्टेशन को यूज किया जाएगा। ठीक बात है। अब बात कर रहे हैं मटेरियल को एक मशीन से दूसरी मशीन तक जब ट्रेवल किया जाएगा तो वो किस तरीके से फेड किया जाएगा मटेरियल को, ये भी देखना होता है इसमें, कि कहीं भी कोई चीज़ वेटिंग में ना हो। ऐसा ना हो आप एक मशीन पे काम करके दूसरे मशीन पर भेजो और दूसरी मशीन ने अपना काम पूरा करके तीसरी तक पहुंचाया ही नहीं हो, तो अब वो वहाँ पे मटेरियल वेट करेगा। इसी को हैंडलिंग कहते हैं। ये हैंडलिंग कॉस्ट अगर हाई होती है तो ऑपरेशन में कमी मानी जाती है, और आउटपुट जो होता है वो एक मशीन का आउटपुट दूसरी मशीन का इनपुट करता है काम। ठीक है, ये तो जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है या पेपर मिल वगैरह होता है, इन सब में इसी तरीके से काम होता है, जिसको लाइन लेआउट कहते हैं। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग लेआउट, जिसमें प्रोडक्ट लेआउट है, लाइन लेआउट है, उसको मैंने आपको एग्जांपल फॉर्म में बता दिया। जैसे एक बैम्बू है, बांस होता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उससे कैसे उसकी पल्प तैयार किया जाता है, उससे पेपर बनाया जाता है, और किस तरह से मशीनों में चीजें एक दूसरे से आगे मूव करती है, और लास्ट में फिनिश गुड्स प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट लेआउट की हम बात कर रहे हैं, कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज तो ये है, इसमें लॉ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होती है, कंटिन्यूअस वर्क चलता है, ऑप्टिमम फ्लोर स्पेस होता है। और डिसएडवांटेज तो नहीं कहना चाहिए, मुझे कुछ लिमिटेशन शब्द यूज कर ले रही हूँ, उसमें ये कहता है कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई आती है, यानी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी कॉस्ट ज्यादा लगती है, और रेपिटेटिव प्रोसेस है, इसमें लोग बोर हो जाते हैं, पर खैर ये कमी निकालने के लिए कमी है, कोई ऐसी कमी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 पे, जो कि है प्रोसेस लेआउट। जैसे प्रोडक्ट लेआउट को हमने लाइन लेआउट भी कहा, ऐसे ही प्रोसेस लेआउट को हम फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं। देखो, कई बार क्वेश्चन घूम के भी बन जाता है आपसे, बजाय कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ लेआउट क्या है, ये भी पूछा जा सकता है राइट डाउन अबाउट फंक्शनल लेआउट, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि फंक्शनल लेआउट तो हमने पढ़ा ही नहीं है। डोंट बी सो कंफ्यूज, फंक्शनल लेआउट का मतलब है प्रोसेस लेआउट, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रोसेस का मतलब उसके फंक्शन ही तो होते हैं, तो फंक्शनल लेआउट हो गया। फंक्शनल लेआउट में क्या होता है,
इसमें सिमिलर टाइप की मशीन्स एक जगह पे इंस्टॉल की जाती हैं और दूसरे टाइप की मशीन्स अलग, यानी नेचर ऑफ द मशीन्स उनको इंस्टॉलेशन कर लिया जाता है और फिर काम को एलोकेट किया जाता है डिपार्टमेंट वाइज और उन्हें अलग अलग जॉब किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं, ऑपरेशन थिएटर बना दिया गया, अब जिन जिन का ऑपरेशन होगा वो यहाँ आएंगे, जिनका ऑपरेशन से पहले अगर कोई और चेकअप वगैरह होना है वो लोग वहाँ जाएंगे। एक सिंपल मान लीजिए एक डॉक्टर को अपना जुखाम ही दिखाने के लिए या उसका बॉडी एक हो रहा है उसको दिखाने के लिए वो आया है, तो उसे ऑपरेशन थिएटर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ऑपरेशन थिएटर। तो जिनकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी तो ऑपरेशन थिएटर में उन मशीनों को इंस्टॉल किया जाएगा जो ऑपरेट करते समय ज़रूरत पड़ती है। ECG हो सकता है या जो भी कोई और दूसरी टेक्निकल मशीनें होती हैं वो सारी वहाँ इंस्टॉल की जाएंगी जो ऑपरेट करते समय यूज़ की जाएंगी। तो वो सारी मशीनों का इंस्टॉलेशन एक जगह हो गया ना, इसी को कहते हैं फंक्शनल लेआउट। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अगर टाइप्स ऑफ लेआउट में कहते हैं तो प्रोसेस लेआउट जिसको फंक्शनल लेआउट कहते हैं वो जॉब शॉप लेआउट भी कहलाता है। ये आपको मैंने एक डायग्राम के जरिए समझा दिया है कि किस तरीके से स्टोर से रॉ मटेरियल मूव करता है और उसके अलग अलग फंक्शन के हिसाब से वो मूवमेंट शो किया जाता है। ये डायग्राम आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कैसे कहाँ असेंबली होनी है, कैसे किस तरीके के इंस्पेक्शन होना है, कहाँ कौन सी चीज़ जानी है, फिनिश गुड्स कैसे बाहर निकलनी है, स्टोरिंग कैसे होनी है, उनकी शिपिंग कैसे होनी है, पैकेजिंग कैसे होनी है, ये सारी चीज़ें जब पैकेजिंग होनी है तो पैकेजिंग की मशीनें जो होंगी वो वहां इंस्टॉल की जाएंगी, मटेरियल जो पैक होना है वो वहां आएगा, ना कि मशीन मूव करेगी, राइट। तो वो माल चाहे वो आपके फैक्ट्री में 5 तरह का भी माल बनता होगा तो 5 तरह के मालों की जो पैकिंग है उसके लिए जो जो मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी वो उस जगह पे इंस्टॉल कर दी जाएंगी और वो माल वहां पहुंच जाएगा और उसकी पैकिंग हो जाएगी। ठीक बात है, किसी की पाउच पैकिंग होनी है, किसी की कार्टन पैकिंग होनी है, जैसा भी पैकिंग होनी है वो सब वहां हो जाएगा। तो इस हिसाब से उसकी वहां इंस्टॉलेशन हो जाता है। प्रोसेस ओरिएंटेड अभी ये हॉस्पिटल का भी बता दिया, मतलब सर्जरी के लिए अलग होगा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अलग होता है, ईआर बेड्स अलग होते हैं, फार्मेसी अलग होगी, बिलिंग का सेक्शन अलग होता है, इमरजेंसी रूम्स अलग होंगे, लेबोरेटरीज अलग होंगी, पेशेंट ए है कोई उसका फ्रैक्चर हो गया है तो उसको किस तरीके से प्लास्टर रूम में जाना है, तो जो आदमी प्लास्टर रूम में जाना है उसको ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना और जिसको ऑपरेशन थिएटर में जाना है उसको प्लास्टर रूम में जाने की जरूरत नहीं है। तो जो मशीनें जहां जैसी ज़रूरत होगी ऐसे ही इंस्टॉल की जाती है। ठीक है, अब इसकी अगर फ़ायदे की बात करें तो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ओवरहेड कॉस्ट बहुत रिलेटिवली लो आती है, मशीनें इंस्टॉल एक साथ हो सकती है लेकिन अलग अलग काम उन मशीनों पे हो रहा है तो बहुत तेज़ी से उनकी कॉस्ट वसूल हो जाती है, इफेक्टिव सुपरविजन वगैरह होता है क्योंकि एक ही तरह का काम एक जगह पे हो रहा होता है। इसका अगर लिमिटेशन की बात करें तो हाई मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है। अगर प्लास्टर रूम में आप जाते हो और वहाँ पे किसी और का प्लास्टर हो रहा है तो आपको वहाँ पे अभी होल्ड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तो वो सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लैग बहुत हाई होता है तो वो भी एक अपने आप में छोटी सी एक लिमिटेशन है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके का। तीसरे तरह का जो लेआउट है वो है फिक्स्ड लेआउट, इसको पोजीशन लेआउट कहते हैं, यानी इसमें कुछ चीज़ें फिक्स रहेंगी। इसका मतलब होता है एक लोकेशन में मेजर प्रोडक्ट जो है जो कि प्रोड्यूस किया जाना है वो लगभग फिक्स रहेगा, जैसे शिप बिल्डिंग वगैरह होता है, डैम कंस्ट्रक्शन वगैरह या फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, वो फिक्स लोकेशन है, वहां पर मशीन जा रही है, मूव हो रहा है, मटेरियल मूव हो रहा है और मैन मूव हो रहा है और वो वहां पे काम तैयार होगा। तो बाकी सारी जो फैसिलिटीज होती हैं वो वहाँ लाई जाएंगी और अरेंज की जाएंगी उस वर्क सेंटर पर जहाँ पे भी काम हो रहा है। अब ये आपको जो स्लाइड नज़र आ रही है उससे समझ में आएगा कि जो प्रोजेक्ट की साइट है वहाँ पे मटेरियल ने भी मूव किया है, ह्यूमन ने भी मूव किया है, सप्लाईज भी वहीं आई हैं और लोडिंग अनलोडिंग भी वहीं से हो रही है और एनर्जी जो चाहिए वो भी वहाँ पहुँच रही है। सारी चीज़ें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो उस लोकेशन पे, उस साइट पे पहुँच रहे हैं और वो फिक्स है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है अगर डैम का तो डैम थोड़ी उठा करके आप दूसरी जगह इंस्टॉल करोगे, डैम जहाँ बनना है वहीं बनना है। उस डैम को बनने के लिए जो भी आपको मटेरियल, मैन, मशीनरी, एनर्जी वगैरह जो भी कुछ चाहिए वो वहाँ लाई जाएंगी और अरेंज की जाएंगी, इसको बोलते हैं फिक्स पोजीशन। इसके भी फायदे नुकसान है। फायदे की बात करते हैं तो कॉस्ट बहुत सेव होती है क्योंकि कस्टमाइज किया जा सकता है इसको, जैसी नीड हो, जैसा रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अगर लिमिटेशन की बात करें तो ये एक लंबा पीरियड होता है इसके प्रोडक्शन का, बहुत इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती है, हैवी इन्वेस्टमेंट रहता है और बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ किए जाते हैं वहां पर, तो ये कोई मतलब कमी निकालने की बात नहीं है, हर एक चीज का अपना एक एस्पेक्ट रहेगा। अब आते हैं कंबाइंड लेआउट पर, और कंबाइंड लेआउट कहता है जब हम बहुत सारी चीजों को एक साथ ले लेते हैं, चाहे वो कंटिन्यूअस वाला हो या फिर
प्रोसेस लेआउट हो, प्रोडक्ट लेआउट हो, उन सबको कंबाइन करके हम वो जब काम करते हैं उसको बोलते हैं कंबाइंड लेआउट। जैसे सोप इंडस्ट्री है, सारे इनपुट जो होते हैं उनको एक सेपरेट यूनिट में ग्लिसरीन, वाटर ट्रीटमेंट, फ्रेग्रेंस वगैरह वो सब डाला जाता है, तो कंबाइंड लेआउट हो जाता है। उसमें प्रोसेस लेआउट भी है और प्रोडक्ट लेआउट भी है, ठीक है। अब ये आपको ये जो डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है इसमें ये बताया गया है कि अलग अलग मशीनें अलग अलग सेल्स में अलग अलग फंक्शन के हिसाब से हो रहे हैं, तो ये सारा कंबाइंड लेआउट है, ठीक है, सर्कुलर चल रहा है। अब कॉम्बिनेशन लेआउट की बात कर रहे हैं, तो ये सुपरमार्केट वगैरह जैसे होते हैं उसमें क्या होता है, फिक्स पाथ मटेरियल भी होता है और रोलर टाइप कन्वेंस भी होता है, स्टॉक रूम्स होते हैं, बेल्ट टाइप कन्वेनर्स होते हैं और कैश रजिस्टर तक चीजें पहुंच जाती हैं। ये बोथ होता है प्रोसेस और प्रोडक्ट, सारी चीजें। एक और होता है कंप्यूटर एडेड लेआउट। कंप्यूटर एडेड का मतलब है जिसमें हम कंप्यूटर की सहायता लेते हैं। उसमें ये कहता है जब भी कोई लेआउट है उसमें शॉर्ट टाइम किस तरीके से जनरेट कर लिया जाता है, कंडक्ट किया जाता है कि किस तरह से सेंसिटिव एनालिसिस हो गया। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, जैसे सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, आप देखेंगे उसमें काउंटडाउन बिगन्स होता है कि कितने देर का रेड लाइट हुआ है, 2 मिनट्स का हुआ है या 1 मिनट का हुआ है, तो काउंटडाउन बिगन होता है, तो आप अपना जो व्हीकल है उसको ऑफ कर सकते हो, उसको बंद कर सकते हो इंजन को, ताकि कि आपको ये पता है अगर ये 2 मिनट का सिग्नल ऑफ हुआ है तो आप अननेसेसरी अपना क्यों पेट्रोल को जलाएंगे और क्यों पोल्यूशन में अपना मतलब प्लस करेंगे। सीधी सी बात है, आपको पता है कि अगर 2 मिनट है और अभी इतने मिनट सेकंड्स बाकी हैं तो आप वो बंद कर देंगे और उसके हिसाब से जैसे ही 5-7 जैसे ही सेकंड्स बाकी हैं आप अपना इंजन ऑन कर लेंगे, स्टैंड बाय मोड पे आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना जिसमें कंप्यूटर एडेड है, कंप्यूटर की सहायता ली गई है, ऐसी चीज़ों को CA लेआउट कहते हैं, ठीक है। जो जैसे एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे कंप्यूटर एडेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आ गया सेलुलर, इसकी क्या एडवांटेजेस और क्या लिमिटेशन है, तो रिड्यूस मटेरियल होता है, मटेरियल हैंडलिंग होता है, ट्रांसमिटर टाइम बहुत रिड्यूस होता है, ऐसे ही वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो है वो बहुत रिड्यूस होती है, ईजी टू कंट्रोल होता है, ईजी टू ऑटोमेट होता है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। लिमिटेशन की बात करेंगे तो जो पार्ट फैमिलीज होती हैं वो बहुत इनएडिक्वेट होती हैं, पुअरली बैलेंस सेल्स वगैरह हो सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। अब अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए जानकारी हमें ये मिली कि मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे करना ही इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, जिससे कि हम हमारे रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक यूज़ कर सकें, यानी बेस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको मेरी उम्मीद है समझ में आया होगा ये पूरा जो PPT हमने तैयार किया है, जो कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेआउट, लोकेशन और उसके टाइप्स ऑफ लेआउट का पूरा डिटेल स्टडी है। पूरी उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को शेयर लाइक करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।